आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक गाइडेड अफर्मेशन मेडिटेशन। मेडिटेशन तो आपने बहुत सी देखी होगी, बट अफर्मेशंस के साथ मेडिटेट करना ये आज हम पहली बार देखेंगे। ये आज का ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए है जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो बेबी प्लान करना चाह रहे हैं बट ड्यू टू सम फिज़िकल रीजंस, ड्यू टू सम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगी कि वो अपनी बॉडी के उस हर चीज़ को हील कर पाए, जिसको हील करने के बाद वो अपने बेबी को इजीली कंसीव कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। सबसे पहले एक बॉटल में पानी भर के अपने सामने रख लीजिए। जिस भी जगह पर आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं उस जगह पर सबसे पहली बात ये देखिएगा कि आप बिल्कुल अकेले हो, एकदम शांत जगह हो, ताकि आप जो भी मैं बोलूँगी उस पर बहुत इजीली फोकस कर पाओगे, उसको बहुत इजीली अपने माइंड के अंदर ग्रैब कर पाओगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप उस पानी के बॉटल को, जो मैंने बोला है कि आप एक पानी का बॉटल अपने सामने लेके बैठे, ये पानी का बॉटल आप जितनी देर मेडिटेट करोगे ना आपकी एनर्जीज को उस पानी में ट्रांसफ़र करेगा और उसी पानी को आपको दिन भर में पीना है। वो एनर्जाइज्ड वाटर ही आपको पीना है, उसके अलावा भी आप पानी पी सकते हो, बट इस बॉटल को आपको दिन भर में कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारी गाइडेड अफर्मेशन मेडिटेशन की तरफ, जो हमारी लाइफ में मैजिक लाने वाला है, उन सभी लेडीज़ के लाइफ में मैजिक लाने वाला है जिन्होंने कभी ड्रीम किया था कि उनका खुद का बेबी होगा। लेट्स बिगिन द मैजिक नाउ। एक शांत जगह पर बैठ जाए और अगर आप लेटना चाहते हैं तो लेट जाइए। अपने दोनों हाथ को अगर आप बैठे हैं तो अपने लैप्स के ऊपर रख लीजिए और अगर आप लेटे हैं तो अपने साइड पे रख लीजिए। अपने कान में ईयरफोन्स लगा लें जिससे ये आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देके जाएगा। उसके बाद एक लंबी सांस लें इनहेल कीजिए और धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे लगाइए। ये फील कीजिए कि आप सांस को अंदर भर रहे हैं और फिर अपने अंदर के सारे नेगेटिविटी को, सारे डर को, उन सारे बुरी थॉट्स को जो आपको कंसीव करने से रोक रही है, उन सब को बाहर फेंक रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखों के सामने एक बहुत ज्यादा वाइब्रेंट वाइट लाइट है। आप अपनी आंखों को बंद करिए और अपने फोरहेड के बीच में, यानी कि हमारी थर्ड आई के प्लेस पे, हमको इमेजिन करना है कि एक बहुत एनर्जाइज्ड वाइट लाइट है जो बहुत मैजिकल है। उसके बाद हम जब इनहेल कर रहे हैं तो हमको ये फील करना है कि वो वाइट लाइट हमारी बॉडी के अंदर घुस रही है, हमारे बॉडी को, हमारे वूम्ब को, वूम्ब का मतलब गर्भ होता है, हमारे वूम्ब को हील कर रही है। और जब हम अपनी सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारे सारे डर,
सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियां, सारी कमजोरी हमारी सांसों से बाहर निकल जा रही है। इसी तरह हमको 3 से 4 बार डीप ब्रीदिंग करना है अपनी सांसों पे फोकस करते हुए। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पे रखिए और अपने राइट हैंड को अपनी बेली पे, अपने गर्भ पे रखिए। और फील कीजिए कि आप अपने मन का सारा प्रेम अपने गर्भ को दे रहे हैं। आप अपने गर्भ को बोल रहे हैं कि आई लव यू। यस, मेरे गर्भ में प्रेम ही प्रेम समाया है। जब हम चीजों को महसूस करते हैं ना, तो हमारी सोच भी किसी मेडिसिन से कम काम नहीं करती है। हमारी सोच भी एक दवाई की तरह काम करती है हमारे शरीर पे। इसीलिए हमको हर एक शब्द को अपने मन से महसूस करते हुए खुश होना है। जी हाँ, ये फील करना है कि आपका गर्भ बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ। मेरा शरीर, मेरी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि मैं एक हेल्दी बेबी को अपने गर्भ में रख सकती हूँ। मैं एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर रही हूँ। मेरी बॉडी में इतनी ताकत है कि हाँ, मैं एक बेहतरीन और हेल्दी बेबी को डिलीवर कर रही हूँ। मैं अपनी फर्टिलिटी को रीस्टोर कर रही हूँ, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स मेरी फर्टिलिटी से रिलेटेड है वो ख़त्म हो रही है। मेरी अंदर की ऊर्जा इतनी बेहतरीन है कि मेरे अंदर के सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रही है और मैं बहुत इजीली, बहुत अमेजिंग वे में अपने बेबी को कंसीव कर रही हूँ। मुझे अपने शरीर पे, अपनी बेली पे, अपने वोम्ब पे पूरा कॉन्फिडेंस है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। वो सारे अंग, वो सारे सेल्स बिल्कुल हेल्दी है जो मेरी मुझे एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करने में, एक हेल्दी बेबी को कंसीव करने में मदद कर रहे हैं। मैं अपने रोज़ के नियमित डाइट को, जो भी मैं खाती हूँ, उसको बेहतरीन तरीके से बदल रही हूँ। मैं उन चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, उन खाने की चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ जो मुझे एक बेहतरीन डाइट दे रहे हैं, जो मेरी बेबी को कंसीव करने में बेहतरीन तरीके से मदद कर रहे हैं, जो मेरे शरीर के साथ मेरे मन और मेरे दिमाग को भी बेहतरीन तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ, मैं एक हेल्दी बेबी को कंसीव कर रही हूँ। मेरा माइंड इतनी एनर्जिक वाइब्रेशन, इतनी एनर्जेटिक वाइब्रेशन रिलीज कर रही है जिसकी मदद से मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ एक हेल्दी बेबी को कंसीव करने के लिए। मेरी ओवरी में वो सीड्स है जो एक नई लाइफ को जन्म देने वाले हैं, हेल्दी सीड्स, जिसके कारण
मेरे लिए कंसीव करना बहुत इजी हो गया है। मेरा शरीर एक ऐसा जीव है जो मेरी सेल्फ हीलिंग करता है, जो मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को बिल्कुल बैलेंस्ड रखता है, जो मेरी ओवरीज को हील कर रहा है, मेरे शरीर के हर उस हिस्से को बेहतरीन तरीके से मजबूत कर रहा है, जो मुझे मेरी बेबी को एक हेल्दी वे में कंसीव करने के लिए मदद कर रहे हैं। मेरी एग्स बिल्कुल हेल्दी है। मैं अपनी माइंड पावर से, अपनी माइंड एक्सरसाइजेस से अपने हर नेगेटिव थॉट को हील कर रही हूँ। दुनिया में ये प्रमाणित हो चुका है कि अपने माइंड की एनर्जी से लोग कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी हील कर लेते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम तो बड़ी छोटी सी है और इस प्रॉब्लम को भी बहुत लोगों ने अपने माइंड पावर से हील किया है, और अब मैं भी इसी हीलिंग पावर से अपनी बेबी को कंसीव कर रही हूँ। मैं बिल्कुल फर्टाइल हूँ, मेरा गर्भ बिल्कुल फर्टाइल है एंड मैं वर्थी हूँ कंसेप्शन के लिए। मैं बिल्कुल काबिल हूँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है और मैं अपने रूम में अपनी बेबी के लिए जगह बना रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये वेट, ये जर्नी बेबी से रिलेटेड बिल्कुल टेम्प्रेरी है। ये वेट ओवर होने वाला है और मेरा बेबी मेरे पास आने वाला है। मैं इतनी खुश हूँ, मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि मैं कब कंसीव करूँगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हाँ, मैं कंसीव कर रही हूँ। मुझे इस कुदरत के इस बेहतरीन प्रोसेस पे विश्वास है, बिलीव है कि हाँ, मैं कंसीव कर रही हूँ, वो भी बेहतरीन तरीके से एक हेल्दी बेबी को कंसीव कर रही हूँ। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे स्ट्रेस को, सारी चिंताओं को लेट गो करती हूँ, अपने जीवन से निकाल के फेंक रही हूँ। मैं अपने जीवन में बेहतरीन चीज़ों को आकर्षित कर रही हूँ। जी हाँ, और मेरा बेबी भी उसमें से एक है। कहते हैं ना, अपने होप्स को शेप करना चाहिए, ना कि अपने डर को। जो नहीं चाहिए उसके बारे में बात ही क्यों करना। हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें चाहिए, जो हमें विश्वास है कि हमारे जीवन में है। मेरा हर दिन एक उम्मीद और विश्वास के साथ शुरू हो रहा है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ मम्मी बनने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पेरेंट बनने के लिए। मैं इस यूनिवर्स की, इस कुदरत की बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मुझे इतना बेहतरीन तोहफा देने के लिए। मैं उस बच्चे की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जिसने मुझे चुना है अपनी माँ के रूप में। मुझे अपने बच्चे को बेहतरीन भविष्य प्रोवाइड करना है, इसीलिए मैं अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपने मन का पूरा ध्यान रख रही हूँ। मेरा मन, मेरा जीवन अनंत खुशियों के भाव से भरपूर है। बेबी को कंसीव करना एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देके जा रहा है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक जीव को अपने अंदर जन्म देने वाली हूँ। जी हाँ, ये हो रहा है। चमत्कार को दिखने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है, उसी तरह इस चमत्कार में भी बस थोड़ा सा टाइम है। मैं अपने शरीर के को आभार व्यक्त कर रही हूँ। मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग को आभार व्यक्त कर रही हूँ, मेरी बेबी को कंसीव करने में मेरा सपोर्ट करने के लिए, इतनी बेहतरीन तरीके से मुझे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हर चीज़ का बैलेंस इतना नॉर्मल करने के लिए जिससे मैं अपने बेबी को
बिल्कुल नॉर्मली कंसीव कर रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ अपनी बेबी को फील करने के लिए, उसको देखने के लिए। मैंने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा है मेरा बेबी, बिल्कुल वैसे ही नाक नक्श है, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग दे रहा है मुझे। मेरा गर्भ खुशियों से भरा है और मेरा जीवन, मेरा परिवार भी खुशियों से भरपूर है। इन सभी खुशियों के लिए मैं ईश्वर की, इस ब्रह्मांड की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यस, मेरा सपना पूरा हो गया है, मैं अपने सपने को जी रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और ये खुशी मेरा अधिकार है, मैं काबिल हूँ इस खुशी के। सब लोग बहुत खुश है। थैंक यू मेरी लाइफ को इतनी खुशियों से भरने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।